जी नाजरीन, इस वक्त हम चाचरा एक्सप्रेस के दूसरे स्टॉप पर मौजूद हैं। ये दूसरा स्टॉप है जज्जा अब्बासिया। जज्जा अब्बासिया के नाम से खानपुर से जब ट्रेन चलती थी, पहला स्टॉप उसका कोटला पठान था, उसके बाद ये जज्जा अब्बासिया है। और यहाँ पर आपको ये पीपल के दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। ये पीपल के बड़े घने और बड़े बड़े दरख्त होते थे, यहाँ पर मुसाफिर बैठते थे ट्रेन के इंतज़ार में। ये इस साइड पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जहाँ पर जो सामने नज़र आ रहा है, ये रेल का अमला जो था, ये उनके क्वार्टर्स हैं। स्टेशन मास्टर होगा, असिस्टेंट मास्टर होगा या दीगर अमले के ये क्वार्टर्स हैं, उनकी रिहाइशगाहें हैं। ये इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारे आसार मौजूद हैं जज्जा अब्बासिया के। इस वक्त हम आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाएंगे, मगर सबसे जो बड़ी बात है जो हम आपको इस वक्त दिखाना चाहते थे, ये जज्जा अब्बासिया खजूरों से मशहूर है। यहाँ पर खजूर, यहाँ पर एक कुछ आसार इस तरह के हैं, तारीख के आसार ये बता रहे हैं कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर का पड़ाव हुआ था। यहाँ पर खजूरों की वो अकसाम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सऊदी अरब और खसूसन मदीना शरीफ में मिलती हैं, वो इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि इस स्टेशन पर आपको पीपल के बहुत सारे दरख्त, इतने घने दरख्त आपको शायद पूरी तहसील खानपुर में नज़र नहीं आएंगे। ये हम आपको करीब से जाकर भी दिखाएंगे कि पीपल के ये दरख्त जो थे, ये सिर्फ इसलिए थे कि यहाँ पर इसकी घनी छाँव के नीचे मुसाफिर आने और जाने वाले मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में बैठते थे। ये वो जगह है, ये एक अजीम रेलवे स्टेशन होता था, आज ये नुआ कना है। और शायद चाइनीज़ के आने पर मुमकिन है कि यह ट्रैक दोबारा चल पड़े और यहाँ पर दोबारा रौनकें बहाल हो जाएं। आए आपको आगे दिखाते हैं रेलवे की इमारत की सूरत हाल। कि यहाँ जज्जे के वासियों ने, जज्जे के शहरियों ने यहाँ से ईंटें ही उखाड़ ली हैं, दरवाजे उखाड़ लिए हैं, खिड़कियाँ उखाड़ ली हैं। ये आपको क्या है, मैं नजर आ रहा था, बड़ी मेहरबानी जज्जा वालों, आपने इसके ऊपर कोई पेंट नहीं किया, इसको कुछ संभाल रखा है कि ये क्या है नामा, उसके रुपए और पैसे तक भी होते थे। ये 2 रुपए है चाचरा जाने के लिए और ये कोटला पठान जाने के लिए भी 2 रुपए हैं। ये 2 रुपए का टिकट होता था और ये मेरे ख्याल खानपुर जाने के लिए 2 रुपए है। आगे ये पढ़ा नहीं जा रहा कि ये शायद जहरपीर है, अंदाज़ा यही हो रहा है कि ये जहरपीर है, इसके पैसे नहीं पड़े जा रहे, मगर ये देख लें। आगे ये मुल्तान कैंट 24 रुपए, ऊपर बहावलपुर है, अच्छा ऊपर ये बहावलपुर है, ये 15 रुपए हैं या 25, नहीं ये 15 रुपए है, क्योंकि ये 24 रुपए हैं तो ये 15 रुपए हैं, बहावलपुर के 15 रुपए यहाँ से और मुल्तान कैंट के 24 रुपए। ये नीचे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। ये टिकट घर है, ये आपको कोटला पठान का टिकट घर दिखाया था, उसकी हालत इससे बहुत अच्छी थी, मगर यहाँ पर जज्जा के वासियों ने टिकट घर और पूरा रेलवे स्टेशन भी उजाड़ दिया, इससे बेहतर था। कोटले पठान के लोग इसका मतलब बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने विरसा संभाल रखा है। इस वक्त हम आए हैं चाचरा एक्सप्रेस के तीसरे स्टॉप पर। चाचरा एक्सप्रेस खानपुर से चली, कोटला पठान पहुंची, फिर उसके बाद जज्जा अब्बासिया और अब यहां पर पहुंची है। यूं समझिए चाचरा एक्सप्रेस है, ये इसका तीसरा स्टॉप है जहरपीर। जहरपीर स्टेशन के इस वक्त भी असरात आपको नजर आ रहे होंगे, जहरपीर स्टेशन का नाम भी नज़र आ रहा होगा और इसकी बिल्डिंग भी अभी कुछ हद तक कायम है। आपको यहाँ पर एक उस वक्त का एक गुड्स ट्रेन का डब्बा भी इस वक्त मौजूद है, उस वक्त का डब्बा भी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम कहाँ, चाचरा, जहाँ पर आखिरी स्टॉप है चाचरा एक्सप्रेस का। हम इसके बाद जा रहे हैं चाचरा
आइए हम आपको चाचड़ा भी दिखाते हैं। आप खानपुर से कोटला पठान आए, कोटला पठान से आप जजा आए, जजा से आप जहरपीर आए, और ये आखिरी स्टॉप आज हम आपको चाचड़ा ले आए हैं। ये चाचड़ा एक्सप्रेस का आखिरी स्टॉप है। यहाँ चाचड़ा स्टेशन की सूरत हाल जो भी है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसकी हालत उन जैसी नहीं है जिस तरह आपने जहरपीर देखा, जिस तरह आपने जजा देखा और जिस तरह कोटला पठान देखा। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोगों ने इसे किराए पर लेकर अपना गोदाम बना रखा है। ये रेलवे जाने और गोदाम वाले जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा विरसा है। चाचड़ा का रेलवे स्टेशन, चाचड़ा से लोगों की जो रूहानियत उनसियत है, जो इनकी अकीदत है, ये लोग चाचड़ा के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका ये विरसा तबाह हो जाए। ये लोगों की ख्वाहिश है कि ये विरसा एक दफ़ा फिर बहाल हो, एक दफ़ा फिर नहर हो, एक दफ़ा फिर बहार हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीपल के दो दरख्त। आपको हमने कोटला पठान दिखाए थे, हमने आपको पीपल के वो दरख्त जजाबासियाँ भी दिखाए थे जो मुसाफिरों के लिए थे। आपने वो घने दरख्त यहाँ भी आपने देख लिए कि पीपल के घनी छाँव में यहाँ पर मुसाफिर बेंचों पर बैठते थे, ठंडा पानी पीते थे। अब हम आपको अंदर जेल चलेंगे ताकि हम आपको दिखाएंगे कि अंदर की सूरत हाल क्या है। आइए रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं। जी नाज़रीन, चाचड़ा रेलवे स्टेशन आपने बाहर से देख लिया, अब हम आपको चाचड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर ले आए हैं। कहाँ ले आए हैं ये आप खुद देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये चाचड़ा रेलवे स्टेशन का टिकट घर है। ये टिकट घर की खिड़की है। इसकी हालत जो भी है, जैसे भी है, वो तो आप देख रहे हैं। वो महकमा रेलवे जाने और हुकूमत जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने आपको जो कुछ दिखाना है, ये रेलवे स्टेशन के बाहर, ये टिकट घर के बाहर जो निर्खनामा है, ये अभी तक ये नज़र आ रहा है कि ये जाहिर पीर के 2 रुपये हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि जजाबासियाँ के 2 रुपये हैं और कोटला पठान के 3 रुपये हैं, ये खानपुर के 4 रुपये हैं, ये रहीम यार खां के 9 रुपये हैं, और ये स्टेशन पढ़ा नहीं जा रहा, आगे 20 रुपये लिखे हुए हैं। अलबत्ता सक्खर 24 रुपये हैं, कोटरी का 48 रुपये हैं, बहावलपुर के 15 रुपये हैं, मुल्तान के 25 रुपये हैं, लाहौर के 45 रुपये किराया है, और ये डहरा वाला है ये 11 रुपये हैं। बाकी आपको यहाँ पर सूरत हाल आपने बाहर से भी देख ली होगी, बाहर की जो सूरत हाल है। आगे चलकर हम आपको रेलवे जो स्टेशन मास्टर हैं उनके कमरे भी आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त जो चाचड़ा एक्सप्रेस के आखिरी स्टॉप चाचड़ा की सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 111 साल, एक सदी से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी आप देख लें कि रेलवे की तामीरात इंतहाई मजबूती से, लोगों ने इसे उखाड़ा है तो एक अलहदा बात है, मगर उनकी जो मजबूती है वो आपको नज़र आ रही है। आपको एक बुज़ुर्ग मिलाते हैं जिन्होंने इस रेलवे पर सफ़र किया है, चाचड़ा एक्सप्रेस पर सफ़र किया है, बल्कि एक नहीं शायद 2 या 3 बुज़ुर्ग भी मिल जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मालूम देंगे, वो आंखों देखा हाल बताएंगे। मैं आपको आंखों देखा हाल नहीं बता सकता। चलिए बाहर मुसाफिरों से मिलते हैं। इस वक्त हमें 2-4 बुज़ुर्ग मुसाफिर मिल गए हैं जिन्होंने चाचड़ा एक्सप्रेस पर मुतअद्दिद बार सफ़र किया है। जाम साहब क्या हाल है? ठीक सारे, ठीक हो? ये चाचड़ा एक्सप्रेस से सफ़र करते रह गए? बड़ा अरसा सफ़र किए थे, 3 टाइम हम दिए अंदर बड़े रौनक होती है। अच्छा, चाचड़ा तू जहर पीर तू कोटला पठान, कोटल पठान तू खानपुर आखिरी स्टाप ही दाहुंदा जगह के अतबाई दे मंदा ते इमारत खड़ी है। बहुत अफसोस थी देखे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह भाई गांव भी है उतना के बहुत मनाजे रहनो इस वेले हम बस गुलाम यासीन साहब
ये एक तालीम याफ्ता इंसान हैं, ये सरकारी मुलाजिम थे जो रिटायरमेंट लेकर वापस घर आए हैं। इनका जो है सूरत हाल, इनकी जज्बाती वाबस्तगी जो है चाचड़ा एक्सप्रेस से, वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे कि किस हद तक इन्हें चाचड़ा एक्सप्रेस से जज्बाती लगाव था। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, चाचड़ा स्टेशन जब से बना था, हम यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, रहे हैं, वहाँ गाड़ी पे सफ़र किया है, उसके बाद खानपुर गए हैं हम, वहाँ तालीम हासिल किया है, फिर चाचड़ा में तालीम पहले हासिल किया, फिर खानपुर में किया है, सफ़र करते थे। अब तो जनाब जो है ये खंडर बना हुआ है स्टेशन, बिल्कुल साथ साथ रकबा है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमारी गुजारिश तो यही है कि इनको आबाद किया जाए, ताकि हमें सहूलत मिले। चार टाइम तीन टाइम गाड़ी आती थी, अब बसों में बैठते हैं, कभी जनाब यहाँ कोटले पठान कर जाती है, कभी जहर पीर कर जाती है। तो हमारी आवाम ने, आवाम की गुजारिश है कि इस स्टेशन को बहाल किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला बहाल होगा, हमारी यही उम्मीद है। वो कुछ नज़ारे जो हैं उस वक्त के, उनको थोड़ा सा आंखों देखा हाल आप बता सकते हैं, उस वक्त क्या नज़ारे होते थे यहाँ? सर, पीपल के बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, जो वहाँ बिनची बनी हुई थी, पैसेंजर बैठते थे, कुआं लगा हुआ था, ठंडा पानी पीते थे, साय में बैठते थे, चार टाइम गाड़ी आती थी, बहुत अच्छा माहौल था, बेहतरीन माहौल था। सारा दिन हम यहाँ बैठे थे, उसके बाद मुसाफिर यहाँ रहते थे, कोट मिठन से आते थे, यहाँ से मुसाफिर जाते थे जहर पीर, कोटला पठान, जज्जा खान। ज़िला के एक मारूफ साफ़ी जामजिया रहमान पाहौर हैं, इन्होंने भी कुछ मनाजिर देखे हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो नज़ारे हमारे साथ शेयर नहीं करें, आपके साथ शेयर करें। नाजरीन, जामजिया रहमान पाहौर जी। कमर इकबाल साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सरेकी में कहूँगा कि भला नहीं आंदी बहार कितों गोलावा। जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे और इधर जो इंजन की घंटी बजती थी, विसल आती थी, तो हम उधर से भाग आते थे और इंजन के ऊपर चढ़ के चक्कर से वो मोड़ काटता था, और फिर हम बड़े मज़े से लुत्फ़ उठा के दो चार साथी होते थे वापस आते थे। और उसके बाद जब हम स्कूल से भागते थे, स्कूल से भागकर हम इधर आके छाँव में, यहाँ कुर्सियाँ होती थी, इधर आके हम बैठते थे। तारिक महमूद मुगल साहब ये बुज़ुर्ग नहीं हैं, ये बुज़ुर्ग बन गए हैं, मगर इन्होंने भी कुछ आंखों से देखा होगा, आइए उनकी ज़बानी एक लम्हे के लिए तो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, सबसे पहले मैं बताऊं कि चाचड़ा शरीफ में हम मिडिल हिस्से में आए, तो यहाँ से रेल आती थी खानपुर, अपनी जेब खर्ची से टिकट खरीदा, टिकट ख़रीदने के बाद उसी रेल पे हमने सफ़र किया है, और मुतअद्दिद बार हमने सफ़र किया, मज़ा आता था, छोटे हुआ करते थे। रेलवे बहाल हो जाती है तो दोबारा रौनकें भी बहाल हो सकती हैं चाचड़ा शरीफ की। ये हुक्मरान की ना है लिए, ये ज़्यादती है चाचड़ा शरीफ के साथ, और ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के साथ ना, ये नाइंसाफ़ी है, लिहाजा हम चाहते हैं ये बहाल हो जाए दोबारा, और मेहरबानी करें ना हुकूमत इस पर तवज्जो दे। इंशाल्लाह ज़रूर बहाल होगी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको चाचड़ा एक्सप्रेस पूरी दिखाएंगे, यानी कि जहाँ खानपुर से चलती थी और चाचड़ा तक, यहाँ तक आपको दिखा दी है। इसके बाद हम आपको और कई तारीखी चीज़ें दिखाएंगे, ख़ास तौर पर इंडस क्वीन आपको बहुत जल्द दिखाएंगे, जो नवाब बहावलपुर ने अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद को तोहफे में दिया था, वो भी आपको दिखाएंगे, उसकी हालत इज़हार भी दिखाएंगे, उसके अलावा वहाँ पर एक स्टीमर है वो चीज़ें भी दिखाएंगे। ये तारीखी चीज़ें हैं। आपसे एक इस्तदा है कि आप ख़ास तौर पर इस तहसील में कोई भी ऐसी तारीखी चीज़ हो तो हमें ज़रूर उसे आगाह कीजिएगा, ताकि हम आज की नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्ल को अपनी उन तारीखी विरसे से आगाह करते रहें, यही हमारा मिशन है। नाज़रीन, आपसे एक इल्तमास भी ज़रूर रही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी ये वीडियोज़ जो हम तारीखी विरसे के हवाले से या दूसरी ऐसी अहम चीज़ों के हवाले से आप तक पहुँचाते हैं, ये चीज़ें अगर आपको पसंद आएँ तो फिर हम ज़रूर इस्तदा करेंगे, मुल्तमिस होंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें, तजावीज़ भी दें।